अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो रिलेटेड है जिगजैग लेआउट के। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमने अपना सबलाइन ऑन किया हुआ है और यहाँ से हम अपना जैम भी ऑन कर लेते हैं, बिकॉज जैम इज लोकल होस्ट। ये हमारी प्रैक्टिस का एक हिस्सा हो चुका है कि हमें जैसे ही सबलाइन ऑन करना है तो हमें साथ ही जैम को ऑन कर लेना है। तो यहाँ से हम इसको अपाचे और MySQL को ऑन कर देते हैं। अब इसको हम मिनिमाइज कर देते हैं। लेट मी चेक फर्स्ट के ये दोनों ग्रीन हो गए तो इट्स मीन के ये ऑन है। अच्छा जी, आज का जो हमारा टॉपिक था वो था जिगजैग लेआउट का कंट्रोल भी। यहाँ पे वही सेम प्रोसीजर हमारा रहेगा कि इंक्लूड डॉट पीएचपी, बिकॉज आपकी वेबसाइट जो है वो पीएचपी में है, तो इंक्लूड डॉट पीएचपी नैव और इंक्लूड डॉट पीएचपी फुटर वो हमारा हमेशा ही रहेगा फर्स्ट। अच्छा जी, हम लोगों ने करना था जिगजैग लेआउट का। अब हमें एक हमारे पास कोड्स अवेलेबल है, ठीक है, और हम यहाँ से इसको कोड्स को ओपन करते हैं और यहाँ से हम ले लेते हैं इसके कोड्स, ठीक है। ट्राई इट योर सेल्फ करते हैं और इसको हम रीअरेंज कैसे करेंगे अपने अकॉर्डिंग, वो हम अपने अकॉर्डिंग खुद करेंगे। अच्छा, फर्स्ट थिंग इज दैट कि हमारा जो आपको पता है, जब हम नैव डॉट पी एच पी लगा देते हैं, इंक्लूड करा देते हैं, तो उसमें हमें फिर पूरा एच टी एम एल कोड लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। तो जस्ट हमें फर्स्ट पहले सी स्टाइल कॉपी करना है यहाँ से और फिर हम उसको रीअरेंज करेंगे आफ्टर चेक के ये क्या होता हुआ है, इसमें चेंजेस क्या करनी पड़ेगी हमें और किस तरह हम इसको। अच्छा, सेम वही चीज हम यहाँ पे डिव ले लेंगे और डिव के अंदर इसको वापस रख देंगे, ठीक है, क्योंकि वो एक डिव। और यहाँ पे इसको क्लास कर देंगे कंटेनर, ठीक है। और यहाँ से हम फिर इसका अगेन जो हमें इसके कॉलम्स चाहिए वो मैं आपको एक अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ कि ये किस तरह कॉलम डिफाइन किए हैं इसने, बिकॉज कॉलम मैंने बहुत अच्छे से करवाए हुए हैं एक टॉपिक में, लेकिन एक रिपीट रहता है तो फिर वो ज्यादा बेहतर होता है आपके लिए सीखने के लिए। तो यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देते हैं और अब हम इसको रीड करते हैं कि व्हाट इज दिस। अच्छा जी, देखिए सेम चीज, उसने आपका H1 की हेडिंग दी हुई है, फिर उसने एक डिव लिया, उसको कंटेनर किया, उसको रो कर दिया, उसको कॉलम कर दिया 66 66। अब इसको हम जाके ब्राउजर पे देखते हैं कि इसमें है क्या। पहले पहले हम इसको सेव करते हैं, वही सेम प्रोसीजर है हमारा। और ये हम सेव करेंगे अपने कंपनी प्रोफाइल का, जो हम लोगों ने एक बना रहे हैं उसके अंदर हम इसको जिग जैग लेआउट के नाम से ही सेव कर देंगे, ले आउट डॉट पीएचपी। नाउ इसको कॉपी फाइल पाथ करेंगे, ठीक है, और यहाँ पे हम आ जाएंगे इसको करने के लिए और इसकी इसको यहाँ से हम रीचेक करेंगे कि इससे होता क्या है, बनेगा कैसा है, इसमें हमें चेंजेस क्या करनी पड़ेगी। माय मिस्टेक, बिकॉज मैंने लोकल होस्ट की जगह कुछ और लिख दिया। तो चलिए जी, हम दोबारा लिख लेते हैं लोकल होस्ट। ठीक है, इज इट क्लियर और नॉट? मेरे ख्याल में तो आपको समझ नहीं आई होगी, बिकॉज मैं इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि जो जिगजैग लेआउट का मतलब ये है कि जो चीजें ऊपर नीचे हमारी कैसे जो है ना वो होगी। अब हम इसका थोड़ा सा एक चीज और चेक कर लेते हैं फर्स्ट। अब इसको हम रीअरेंज करते हैं, पहले फर्स्ट हम इसको रीअरेंज करते हैं, बिकॉज जब तक हम इसको रीअरेंज अपने अकॉर्डिंग नहीं करेंगे हमें तब तक पता ही नहीं चलेगा कि ये क्या है। अच्छा, हमें हर पेज पे, मैं वही रिपीट करती रहती हूँ अपनी बात को, कि हमें हर पेज के ऊपर अपने H1 H2 की हेडिंग्स नहीं देनी होती, जस्ट हमें इंडेक्स पेज के ऊपर ही H1 H2 H3 H4 H5 और H6 की हेडिंग हमने अक्सर फुटर में दी होती है। तो इससे हमारा पेज स्ट्रक्चर
रिलेटेड ऑफ पेज एसईओ मेंटेन रहता है। ये मैं इसलिए रिपीट करती हूँ बार बार ताकि आपके हेडिंग स्ट्रक्चर में कोई मिस्टेक नहीं आनी चाहिए, बिकॉज जब आप कोडिंग उठाते हैं उससे डब्ल्यूसी स्कूल से, तो उसमें थोड़े बहुत आपकी चीजें इधर उधर हो जाती है रिलेटेड हेडिंग स्ट्रक्चर, तो हमें इस चीज का बहुत ख्याल रखना है, मल्टीपल पेजेस पे मल्टीपल हेडिंग्स नहीं देनी होती। तो नाउ हम इसको देखते हैं, ठीक है, इसकी हेडिंग्स को फर्स्ट चेंज कर लेते हैं और यहाँ पे पहले इमेज देते हैं और इमेज को हम रीअरेंज करते हैं। हमारे ऊपर वाले फोल्डर में इमेज था, अभी हम चेक कर लेते हैं कि वेयर इज इमेज, किसने हमारा इमेज कहाँ दिया है। तो ये रहा आपका इमेज, यहाँ पे हम दे देंगे अपने फोल्डर अपने फाइल का पाथ देंगे और bg, बिकॉज हमारा इस फोल्डर में पड़ा ही ये एक इमेज है, तो हम इसको यही दे देती हूँ मैं, इसलिए अभी मैं इसमें ऐड कर दूंगी बिकॉज इमेजेस की जरूरत पड़ती रहती है हमें। तो अब इसको हम देखते हैं और फिर हम इसके कॉलम को रीसेट करते हैं, ठीक है। अब इसको हम देखते हैं मोबाइल रिस्पॉन्सिव है, ये मोबाइल रिस्पॉन्सिव है, बट इसकी हेडिंग्स बहुत बड़ी बड़ी हैं। अब इनको हम फॉन्ट साइज करेंगे, सीएसएस हमारा हर चीज में बहुत जरूरी है, ठीक है। 50% विड्थ और 100%, 50% ही हाइट करके देखते हैं हम फर्स्ट, बिकॉज इसमें हाइट एंड विड्थ डिफाइन कर दी गई है आपके इमेज की, तो मेरे ख्याल में तो बेहतर हो जाएगा ये। जब हम पोर्टफोलियो वेबसाइट्स क्रिएट करते हैं ना, तो जिगजैग लेआउट हमारे बहुत काम आता है, ठीक है। तो हाँ, अब हम इसको हटाते हैं यहाँ से, ठीक है। हमें चाहिए नहीं है, हमें जरूरत नहीं है इसकी, हमें जस्ट अपने कंटेनर को मेंटेन करना है। इसको हम देखते हैं, ठीक है, ये इसमें बहुत ज्यादा ये स्पेसेस आ रही हैं आपकी, तो ये हमें स्पेसेस नहीं चाहिए, हमें इसको प्रॉपरली रीअरेंज करना पड़ेगा हर चीज को, ठीक है। हम इसको रीअरेंज करते हैं फर्स्ट। अब इसमें देखिए कॉलम जो है आपका वो 6-6 दिया हुआ है, 6-6 कॉलम इज रियली बिग कॉलम, तो इसको जस्ट हम कॉलम करके फर्स्ट देखते हैं, कॉल करके, बस जस्ट कॉल देते हैं इसको और देखते हैं कि इसमें क्या चेंजेस आई हैं। तो ये जो कॉल होता है ना, ये रिस्पॉन्सिव रिस्पॉन्सिव जब चीज जब आपका मोबाइल के साथ रिस्पॉन्सिव होती है ना आपकी वेबसाइट, तो उसके लिए ये चीजें जरूरी होती हैं कि आपकी ये रीअरेंज कैसे हो रही हैं। अभी इससे इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई भी फर्क नहीं पड़ा कि इसने जो इसको कॉलम दिया उससे कोई फर्क नहीं पड़ा आपका। अब इसने एक्स लार्ज, इसको जो क्लास है फॉन्ट को, इसने H1 को जो क्लास दी है वो एक्स लार्ज दी है, जबकि हमें एक्स लार्ज हमें इतनी बड़ी बड़ी ये नहीं चाहिए हेडिंग्स, तो हम इसको थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे अपने फॉन्ट्स को, बिकॉज हमें नहीं चाहिए इतने ज्यादा हेडिंग्स, नहीं चाहिए इतनी बिग हेडिंग्स, हमारी रिक्वायरमेंट ही नहीं है। तो वही बात है कि H1 की जो हेडिंग है फॉर SEO, हमें उसको देखना पड़ता है कि वो, क्योंकि हेडिंग स्ट्रक्चर बहुत इम्पोर्टेंट होता है ना, तो इसलिए हम इसको करते हैं। तो अच्छा जी, तो हमारा था, हम लोगों ने कॉलम को हटाया था, अब हम इस पूरे ही कॉलम को हटा के देखते हैं कि होता क्या है, बिकॉज इतने ज्यादा कॉलम हमें चाहिए नहीं है, लेकिन जहां पे जिस चीज की रिक्वायरमेंट है हमें वो वही यूज करनी है। हमें इसने चाहे जो भी लगाया है, इसने उसने जिगजैग
लेआउट दिया है, तो जिगजैग लेआउट का ये हर चीज मतलब नहीं है कि हमें जहाँ पे जिस चीज की रिक्वायरमेंट नहीं है हम वो लगा दें, जिस चीज की हमें रिक्वायरमेंट है हम वही लगाएंगे वहां। तो सी सी द डिफरेंस, जस्ट डिफरेंस बिटवीन इज कि ये सेंटर में नहीं हुआ, तो हम इसके अंदर इसको जस्ट ब्रेक लाइन कर देते हैं, बिकॉज हमें यहाँ से इसको लाइन ब्रेक करते हैं बिकॉज हमें इसमें थोड़ी सी स्पेस लेके आनी है, और इस डिप को हम क्लास टेक सेंटर कर देते हैं, और टेक सेंटर करने से हमारे ये सारे इश्यूज रिजोल्व हो जाएंगे बिकॉज हमें इस ज्यादा नहीं चाहिए, टेक सेंटर कर देते हैं, ये सारा कुछ रीअरेंज हो जाएगा प्रॉपरली। तुम सेव करते हैं और इससे एक डिफरेंस क्रिएट होगा। अब ये दोनों टेक्स्ट हो गया रीअरेंज, अब ये सारी चीज आ गई इसके दरमियान में, अब हमें इसको भी रीअरेंज करना पड़ेगा, उसको हम देखते हैं हम कैसे कर सकते हैं। अच्छा वेट, अब हम इसको कॉलम ही करके देखते हैं, कॉलम 33 करके देखते हैं बिकॉज 36 तो बहुत ज्यादा लग रहा था ना, तो हम इसको यही करके देखते हैं क्या होता है। सी ये हमारे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं मल्टीपल, तो इसको हमें रीअरेंज करना खुद ही होता है बिकॉज देखिए हमें कोड्स मिल जाते हैं, हमें चीजें मिल जाती हैं, लेकिन हमें उनको अगर रीअरेंज करना नहीं आता होगा तो हम कैसे करेंगे ये सब कुछ काम, मतलब नहीं होता है ना फिर। अब हमने गलती कहाँ की है, गलती हमने ये नहीं की है कि हमारा, अब एक मिनट देखते हैं हम गलती कहाँ कर रहे हैं। कंट्रोल Z बिकॉज कंट्रोल Z अगर हम इसको करते जाएंगे नाउ, अब इसको हम सेव करके देखते हैं, बिल्कुल वैसे कंट्रोल Z करने से ना जो हमने रिमूव किया होता है ना वो सारा वापस आ जाता है, ठीक है ये वैसे का वैसा ही हो गया। तो चले हम इस डेफ को जो है ना हम शेडो दे देते हैं ताकि हमें कुछ समझ में आए कि ये डेफ कहाँ तक है, बिकॉज डिव को समझना भी तो जरूरी है। अच्छा हेडिंग स्ट्रक्चर मैंने अभी इसमें इसलिए वैसा का वैसे ही कर दिया बिकॉज हमें हेडिंग स्ट्रक्चर, ये तो हमारा जिगजैग लेआउट है ना, तो इसको हम देख रहे हैं कि किस तरह हमारा, अब हमें इसकी जो इमेज की है वो 100% हम कर देते हैं बिकॉज 100% जो है ना वो ज्यादा बेहतर रहेगा हमारे लिए। ठीक है, अक्सर जो हमारे वर्डप्रेस टेम्पलेट्स होते हैं ना वो इस किस्म के होते हैं, अब हम इसमें भी ऐड करते हैं और इसको हम यहाँ से ब्रेक लाइन करते हैं बिकॉज ये उसके साथ चिपक रहा है, तो हम इसको एज इट इज ही छोड़ देते हैं, हमें ज्यादा इसको ज्यादा वो करने की जरूरत नहीं है, इसमें जो इसने एक्स लार्ज हेडिंग्स दी है उसको बस चेंज करेंगे और बाकी हम इसको ज्यादा नहीं करेंगे, कॉलम्स वगैरह को नहीं छेड़ते बिकॉज कॉलम जो है ना हमारे कार्ड कॉलम डिफरेंट होते हैं, हमारे ये वाले कॉलम डिफरेंट है, और जो दूसरे हमारे मतलब रॉ जैसे एक कार्ड, अगर एक कार्ड है प्रोडक्ट कार्ड है वो अगर हमने किसी एक स्क्रीन पे शो करवाना है तो उसको हम लार्ज पे 3 कराएंगे, जो उससे बड़ी स्क्रीन होगी उस पे एक्स लार्ज पे हम 4 कराएंगे, और मोबाइल अगर स्क्रीन है तो उसके ऊपर हम उसको 1 करा देते हैं बिकॉज हमें अक्सर ये होता है कि हम एक कार्ड शो कराते हैं, वैसे एक कार्ड शो नहीं कराना चाहिए, दो करवाने चाहिए, तो इसलिए उसमें यूज होता है। लेकिन जो ये जिगजैग लेआउट है जिस तरह एक वर्डप्रेस टेम्पलेट होता है लाइक दिस है कि उसमें बहुत ज्यादा सीएसएस और कॉलम्स और रॉ पे फोकस्ड होते हैं लोग, तो उसके लिए है ये। अच्छा अब हमें जैसे जैसे ये चाहिए हम उसको वैसे वैसे रीअरेंज कर लेते हैं कि मतलब अगर हमें फॉन्ट साइज कम कर देते हैं, ज्यादा करना है ज्यादा कर देते हैं, तो इसको जस्ट हमें रीअरेंज करना है,
और इससे ज्यादा कुछ नहीं करना। अच्छा, ये लेआउट फॉर जो हमारा पोर्टफोलियो साइट्स होती हैं उनके लिए यूज हो सकता है, या कोई जस्ट एक फ्रंट पेज ऑफ वेबसाइट होता है तो उसके लिए यूज किया जा सकता है, तो इसके लिए है ये, इससे ज्यादा के लिए नहीं है। अच्छा, यहाँ पे जो इमेज है इसके अंदर भी हम वही इमेज ऐड कर देते हैं, बिकॉज इमेज डैश बीजी इमेज डैश बीजी वन डैश जेपेक डैश नहीं है जी जेपेक, ठीक है। ऑल टेक्स्ट में इसका सेम इमेज का नाम लिखेंगे, बिकॉज उसके अंदर जो है हमारा इमेज एसईओ होता है, ठीक है। अब ये देखिए, ये इमेज आ गया। अभी हमें 100% चाहिए, बिकॉज ये बिल्कुल छोटा सा लग रहा है इसमें, तो इसको हम 100% कर देते हैं। और वेथ पे इसकी हाइट और वेथ इसकी जो है वो 100% ही कर देंगे। हमने सेम सेम इमेज इसलिए लगाया है क्योंकि इसमें इमेज अवेलेबल नहीं है, लेकिन मैं अभी इसमें ऐड कर दूंगी, ये जो हमने साइट शुरू की थी इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी। अब देखिए, इस पेज में इसने H1 की कोई 6 हेडिंग्स दी हैं, जबकि हम H1 की 6 हेडिंग कभी अपनी पूरी वेबसाइट में यूज ना करें। जस्ट पूरी वेबसाइट में हमें जस्ट जस्ट 1 हेडिंग देनी है, इससे ज्यादा हेडिंग देनी ही नहीं है। JPEG, ठीक है। वही सेम केस को हमने 100% विड्थ कर देनी है, और 100% ही हमने इसकी हाइट कर देनी है। जैसे हमने इसको रीअरेंज किया, इससे ज्यादा हमने इसको अंदर, देखिए जब हम अपनी वेबसाइट का कंटेंट लिखते हैं तो ये सारे ये जो पैराग्राफ इसके अंदर इसने ऐड किए हैं, ये हमें हम अपने लिखते हैं जो हमारे अकॉर्डिंग टू हमारी वेबसाइट होता है, ठीक है। अभी हमने जस्ट इमेज दे दिया, ये पोर्टफोलियो वेबसाइट टाइप का बन गया, और ये एक अच्छा सा लेआउट क्रिएट कर देगा। ये रहा आपका विद रिस्पॉन्सिव बटन्स और अदर, जैसे एक वो नहीं होता ब्लॉग साइट होती है, उसके अंदर हम इमेज भी डाल देते हैं, अपनी थोड़ी सी चीजों को भी ऐड कर देते हैं, तो ये वैसा है, ठीक है। तो मेरे ख्याल में आपको ये जिगजैग लेआउट थोड़ा क्लियर हो गया होगा, इमेज और ये। वैसे मेरी अपनी वेबसाइट के ऊपर मैंने एक जिगजैग लेआउट अपने पास से बनाया था, तो वो ये था, ये था, ये मेरा अपना बनाया हुआ, मैंने खुद क्रिएट किया था अपनी रो कॉलम्स के साथ, और इसमें मैंने जस्ट कॉलम 1 कर दिया, उसको इस तरह कर दिया था, तो ये कॉलम 2 कर दिया था बड़े लार्ज स्क्रीन पे, और 1 पे स्मॉल स्क्रीन पे 1 कर दिया था, तो इससे ये मेरा बड़ा अच्छा सा लेआउट रेडी हो गया था। तो चलिए जी, आज का हमारा जो टॉपिक जिगजैग लेआउट का था वो फिनिश हुआ, और जहाँ समझ नहीं आया कि आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं, कहीं पे भी कोई इश्यू आता है। जस्ट इसमें हमें CSS हमने ऐड किया है, और हमने इसकी कॉलम जो रो को एक दफा मेक श्योर किया था कि इसमें चेंजेस करेंगे तो क्या होगा, लेकिन वो हमारा जो मेथड ऑफ रॉ कॉलम है वो डिफरेंट है। इसके अंदर जिगजैग लेआउट के अंदर हमारा मेथड जो कॉलम का मेथड है वो डिफरेंट है। तो इस तरह ये आज का हमारा टॉपिक एंड होता है। इंशाल्लाह कल फ्राइडे है, फ्राइडे और सैटरडे हमारी 2 क्लासेस और होंगी, और इसके बाद हम देखेंगे कि हमारा फ्रंट एंड में और कौन कौन सा टॉपिक बाकी रह गया है, तो उसके अकॉर्डिंग फिर हम क्लास रखेंगे, फिर उसके बाद हमारा बैक एंड जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज, टेक केयर योर सेल्फ।